हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम लेके आए हैं फिर से एनसीईआरटी क्लास 12th के चैप्टर 2 के यानी कि सॉल्यूशन का एग्जांपल 2.13 को। ठीक है, एग्जांपल 2.13 बिल्कुल ही एग्जांपल 2.12 के जैसा है, इसका प्रीवियस एग्जांपल के ही जैसा है। सारे काम सेम रूप से करने हैं। इसमें भी क्या है सवाल में कि 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड Having density 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर is dissolved in 1 liter of water। यानी कि एक एसिटिक एसिड लिया गया है जिसका वॉल्यूम 0.6 मिलीलीटर है और जिनकी डेंसिटी 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर है, उनको 1 लीटर के वाटर में इसको डिजोल्व किया गया है। और जो फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा यहां पर ऑब्जर्व होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन यहां पर आया है जब ऐसे एसिटिक एसिड को डाला जाता है, तब ये हुआ है डिप्रेशन 0.0205 केल्विन का। ध्यान रहे यहां पर डिग्री सेल्सियस लिखा होगा किताब में, बट केल्विन हमारा सही होगा। तो बोले कैलकुलेट द वर्नसहॉफ फैक्टर एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। यानी कि वर्नसहॉफ फैक्टर आई प्राप्त करना है और डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के प्राप्त करना है हम लोगों को। ध्यान रहे यहां पर कुछ नहीं, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट की बात आई तो हम लोग मोलैलिटी को जानते हैं कि यहां मोलैलिटी काम करता है और मोलैलिटी में हम लोग को मोल्स चाहिए। मोल्स में हम लोग को चाहिए एसिटिक एसिड का मास, जबकि यहां वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ है तो मास इन दोनों की हेल्प से मिलेगा। और सॉल्वेंट का वेट चाहिए हम लोग को, लेकिन यहां सॉल्वेंट का हम लोग को दिया हुआ है वॉल्यूम, तो हम लोग इसके भी डेंसिटी से इसका वेट पता कर लेंगे। मतलब कि अल्टरनेट रूप से आपको सारे कंटेंट दिया हुआ है, बस उसको सही रूप में लाना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग काम करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे ताकि मोलैलिटी हम लोग निकाल पाए। कारण ये है कि हम लोग के पास ऑब्जर्व्ड दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमें दिया हुआ है 0.0205 केल्विन है। लेकिन हम लोग को वर्नसहॉफ फैक्टर निकालना है, तो वर्नसहॉफ फैक्टर का एक अल्टरनेट फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमें कैलकुलेटेड प्राप्त करना है, यहां से ऑब्जर्व तो दिया हुआ है लेकिन कैलकुलेटेड प्राप्त करना है, तभी वांट्स ऑफ फैक्टर निकाल पाएंगे हम लोग। और वांट्स ऑफ फैक्टर मिलेगा तो हम लोग एग्जांपल 2.12 के तरह हम लोग जो है वांट्स ऑफ फैक्टर का एक अल्टरनेट फॉर्म निकालेंगे हम लोग इसके रिएक्शन से। चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहां पर हमारा एसिटिक एसिड यहां पर जो है ना टूट रहा है, वाटर में जाने के बाद ये डिसोसिएट कर जाता है एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में, तो वहां से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से प्राप्त करेंगे सब डाटा। फिर वहां से वांट्स ऑफ फैक्टर निकालेंगे हम लोग अल्फा के टर्म में और अल्फा फिर निकालेंगे और अल्फा के मदद से हम लोग फिर से डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहां पर हम लोग काम करते हैं बारी बारी से। तो यहां सबसे पहले काम करते हैं सॉल्यूट के मोल के लिए। तो हमारे पास जो सॉल्यूट है वो है एसिटिक एसिड, तो यहां पर आपको वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है, ये है 0.6 मिलीलीटर। उसके बाद डेंसिटी दिया हुआ है आपको, डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखिए यहां पर देयरफॉर मास क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, देयरफॉर मास हो जाएगा यहां पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो मास बराबर हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये वॉल्यूम हो गया हमारा 0.6, यहां डेंसिटी हो गया 1.06, मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। तो ये फिलहाल ऐसे इसी रूप में रहने देते हैं क्योंकि आगे काम आएगा, तो यहां पर हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके ये जो मास आएगा वो ग्राम में रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मास मिल गया। अब देखिए मोलर मास जो होता है एसिटिक एसिड का, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, तो वो कितना होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब इसका देखिए यहां पर तो कार्बन हो गया हमारे पास, दो कार्बन है तो 12 × 2 हो जाएगा प्लस, यहां पर तीन एक चार हाइड्रोजन है तो 4 × 1 हो जाएगा प्लस, दो ऑक्सीजन है तो 2 × यहां पर 16 हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास देखिए ये हो गया 24, ये हो गया 4, ये हो गया 32। तो यहां पर हम लोग जोड़ेंगे तो 4 × 4 = 8 × 2 = 10, 3 × 2 = 5 = 1 = 6, ये हो गया 60 ग्राम पर मोल। एंड देयरफॉर यहां पर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्राप्त कर लेंगे, एसिटिक एसिड का
सिंपल हम इसको एसिड लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, गिवन मास यानी वेट बाय मोलर वेट, तो गिवन वेट कितना निकाले हैं, मास कितना निकाले हैं, 0.6 इंटू 1.06, बट यहां पर हम लोग मोलर वेट निकाल लिए हैं 60, तो ये यहां पर से 6 पॉइंट उड़ेगा तो यहां पर 10 जाएगा, 6 से यहां पर 10 बार में 60 कटेगा, 100 हो गया, तो यहां पर 1.06 में 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 106 पॉइंट जाएगा, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गया वो आ गया एसिटिक एसिड के लिए 0.0106 मोल एसिटिक एसिड आ गया। देखो यहां पर अल्टरनेट फॉर्म से हम लोग एक डिफाइनेबल फॉर्म पर ला दिए कि अब यहां पर हम कह सकते हैं कि हम एक लीटर के वाटर में 0.0106 मोल एसिटिक एसिड डाले थे। अब यहां से कह सकते हैं हम वॉल्यूम और डेंसिटी को लेकर के हमने ये पता लगा लिया कि हमने कितना मोल एसिटिक एसिड डाला था, क्योंकि हमारे पास ना ही वॉल्यूम का काम था ना ही डेंसिटी का, लेकिन हम लोग को उसके हिसाब से मोल निकालना था, तो मोल हमने प्राप्त कर लिया। अब मोल प्राप्त कर लिया, मोलालिटी भी प्राप्त कर लेंगे कैसे, तो यहां पर देखिए वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है और वो होती है 1000 ग्राम पर लीटर, यानी कि एक लीटर में वाटर 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम वाटर होता है, तो यानी कि डेंसिटी इसका 1 हो जाता है, तो 1 लीटर मतलब 1 किलोग्राम वाटर यहां समझ सकते हैं, तो हमारे पास वाटर यहां पर 1 किलोग्राम दिया हुआ है, तो सिंपल है कि हम इसका मोलालिटी भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर हम सॉल्यूशन की मोलालिटी देखें, देयरफॉर मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर निकाले तो ये होता है नंबर ऑफ मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी एसिड का हमारे पास 0.0106 है, बट यहां पर हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1 किलोग्राम, कारण समझ सकते हो ना कि यहां पर हमारे पास डेंसिटी वाटर का 1 होता है, तो 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम कह सकते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा, ये मोल हो गया, ये किलोग्राम हो गया, तो यहां पर देख सकते हैं 0.0106 मोल पर केजी या स्मॉल एम मोलालिटी का वैल्यू भी हमें प्राप्त हो गया, तो ये मोलालिटी आ गया। अब डेफिनेटली बात है कि जब हमारे पास मोलालिटी है और जाहिर तौर पर वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी फिक्स होता है, उसके मान को लेकर के हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करके हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो निकलेगा कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकलेगा, ठीक है। और जिसके मुताबिक हम लोग के पास ऑब्जर्व दिया हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों के हेल्प से हम लोग वांट्स ऑफ फैक्टर प्राप्त कर लेंगे, जो हमारा पहला आंसर होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी तक डाटा है वो है हमारे पास मोलालिटी जो निकला है 0.0106 मोल पर केजी, और जो वाटर के लिए केएफ का वैल्यू होता है वो होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद जाकर के अगर हम यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाले डेल्टा टीएफ, ये हमारा कैलकुलेटर निकलने वाला है, तो ये हो जाएगा के एफ गुना मोलालिटी, तो के एफ का वैल्यू हो गया 1.86, मोलालिटी हमारे पास 0.0106 है, जब इसे आप लोग सॉल्व करेगा तो ये रिजल्ट आएगा 0.0197 केल्विन में आएगा, मतलब कि यहां पर हमारे पास जो ये रिजल्ट आया है ये कैलकुलेटर आया है, यानी कि हम डाटा बेस के मदद से ये प्राप्त किए कि जब हम इतना एसिटिक एसिड डालते हैं तो हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट पर डिप्रेशन होता है वो 0.0197 केल्विन से होता है, जबकि ऑब्जर्व वैल्यू ये कहता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.0205 केल्विन होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इतना निकला है, ये दिया हुआ है, एंड नाउ वांट्स ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने ऑब्जर्व यहां पर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय नॉर्मल या फिर कह सकते हो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व हमारे पास कितना है 0.0205 केल्विन है, और हमारे पास कैलकुलेटेड है 0.0197, ये भी केल्विन में, ये भी केल्विन में, केल्विन इस केल्विन खत्म हो गया। और जब आप इसे सॉल्व करिएगा 209 को 197 से डिवाइड कर दीजिएगा तो रिजल्ट आएगा हमारा 1.041, ये हमारा वांट्स ऑफ फैक्टर आया, और जाहिर सी बात है 1.041 आई का मान, वांट्स ऑफ फैक्टर जो आई निकला, आई का मान यहां पर एक से अधिक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर डिसोसिएशन हो रहा है, लेकिन वन के बहुत ही करीब है, इसका मतलब ये भी हो रहा है कि डिसोसिएशन बड़ी कम मात्रा में हो रहा है,
ठीक है, आई का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा मतलब उतना अधिक डिसोसिएशन हो रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग एक थ्योरी जानते हैं कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है वो ज्यादा डिसोसिएट नहीं करता है, बहुत ही कम डिसोसिएट करता है, इसीलिए आई का मान जो है वन से बड़ा तो है लेकिन यहां पर वन के बहुत ही करीब है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में डिसोसिएशन हो रहा है, समझे बात को। तो यहां से हमारा पहला आंसर आ गया वन ऑफ फैक्टर। अब हम लोग को फोकस करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट से पहले हमें यह प्राप्त करना पड़ेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही बराबर होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमें रिएक्शंस करने पड़ेंगे। रिएक्शंस के मुताबिक अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता है तो आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचा यानी कि जब हमारा एसिड टूट गया कंप्लीटली, जितना टूटना था टूट गया, तो उसके बाद हमारे पास कंसंट्रेशंस कितने कितने थे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, और कंसंट्रेशंस के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज या कितना फ्रैक्शन में कौन कौन डिसोसिएट हुआ, यानी कि एसिडिक एसिड कितना टूटा, कितना हमारे पास एसिटिक आयन बना, कितना हाइड्रोजन आयन बना, उनके कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहले काम करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। अभी तक हमारे पास ये तीन वैल्यू हमारे पास आए हैं जिसमें कि हमें आई का मान पता करना था, वो हमने निकाल लिया था। अब देखिए जब एसिटिक एसिड CH3COOH ये डिसोसिएट हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या क्या मिलता होगा, CH3COO- मिलता होगा, प्लस यहां पर हाइड्रोजन आयन सभी एक्वस फॉर्म में यहां पर मिल रहे होंगे। अब देखिए यहां पर तो इसके मुताबिक अगर हम बात करें डिसोसिएशन कांस्टेंट की तो उसका फॉर्मूला होता है के बराबर राइट साइड का कंसंट्रेशन का मल्टीपल बट लेफ्ट का मल्टीपल, मतलब ये होता है कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे के का वैल्यू, बैकवर्ड का के का वैल्यू निकाल लेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन से, और हम लोग क्या करेंगे फॉरवर्ड का बट बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट करेंगे तो वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देता है, वही हमारा मतलब कि अगर यहाँ फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट के वन हो, बैकवर्ड के लिए के टू हो, तो ये के जो है के वन बाय के टू इक्वल होता है। जब ऐसा करिएगा तो यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट में K का वैल्यू आ जाएगा CH3COO- का कंसंट्रेशन इनटू H+ का कंसंट्रेशन, डिवाइड कर देना है यहां पर CH3COOH का कंसंट्रेशन। तो इसके लिए पहले कंसंट्रेशन हम लोग जाना पड़ेगा, समझिए। यहां पर मान लीजिए हमारे पास अगर ये एक मोल होता है, जब रिएक्शन में टाइम नहीं देंगे तो यहां पर कुछ भी नहीं बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट। सपोज करिए यहां पर हम इक्विलिब्रियम स्टेट में चले गए, कुछ समय बीत गया यानी कि वो टाइम में चले गए जहां पर रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम में आ चुका है, मतलब कुछ डिसोसिएट हो गया है और अब डिसोसिएशन रुक चुका है। तो यहां पर जब हम लोग आ गए तो यहां पर देखते हैं कि कुछ ना कुछ अमाउंट में तो यहां पर कुछ ना कुछ परसेंटेज यहां से टूट करके प्रोडक्ट बना होगा। सपोज कर लेते हैं वो फ्रैक्शन को यहां पर हम अल्फा मान लेते हैं, मान लीजिए यहां पर कि यहां से अल्फा इसका जो है ना एक से छोटा होगा अल्फा हमेशा, मतलब कि ये 100% है, इसमें से कुछ परसेंट को हम अल्फा डिनोट कर रहे हैं कि सपोज करिए यहां से अल्फा टूटा तो जाहिर सी बात है ये एक मोल टूटेगा तो इसका भी एक मोल बनेगा, इसका भी एक मोल बनेगा। मान लीजिए यहां से अल्फा टूटा तो यहां पर क्या बनेगा, अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा, ये भी बनेगा। जाहिर सी बात हम यहां पर एक मोल की बात किए, उसी प्रकार से अगर एसिटिक एसिड हमारे पास एन मोल होता, अगर ये एन मोल होता तो जाहिर सी बात है ये भी n बनता और ये भी कितना बनता, n इंटू अल्फा बनता, ठीक है। तो ये हम n मोल पर प्राप्त कर ले क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एसिटिक एसिड हमें मिला है वो हमारे पास n का जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था यही सेम मोलैलिटी की वैल्यू के बराबर 0.0106 मोल हमारे पास प्राप्त हुआ था n का वैल्यू। तो n का मान यहां पर इंक्लूड करना जरूरी था क्योंकि n हमारे लिए ये था ना कि वन, समझे, इसलिए n इंक्लूड कर दिए। अब देखिए हमारे पास अगर हम बात करें यहां से इक्विलिब्रियम स्टेट में हम लोग i का मान प्राप्त करना चाहे तो i बराबर क्या होता है, रिएक्शन के बाद हमारे पास कितने पार्टिकल हुए बट रिएक्टेंट के, रिएक्शन के पहले कितने पार्टिकल थे। तो देखिए यहां पर रिएक्शन के बाद हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलाकर के ये प्लस ये प्लस ये इतने पार्टिकल है, और रिएक्शन से पहले हम कितने पार्टिकल लिए थे तो n पार्टिकल हम रिएक्शन से पहले लिए थे, मतलब कि n मोल लिए थे रिएक्शन से पहले, वही n मोल में कुछ टूट करके ये बचा हुआ है, टूट करके कुछ ये बना हुआ है, तो रिएक्शन के बाद ये हो गया।
यानी कि अगर आफ्टर यहां पर आई का वैल्यू प्राप्त करें तो आई क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स आफ्टर द रिएक्शन बटे पार्टिकल्स बिफोर द रिएक्शन। तो पार्टिकल्स आफ्टर द रिएक्शन कितने हमारे पास है, तो n इंटू वन माइनस अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा, बट पार्टिकल्स बिफोर द रिएक्शन कितने लिए थे हमने, n लिए थे। देखिए यहां पर सब में अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n, सब में कॉमन n आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा वन माइनस अल्फा, यहां पर बचेगा हमारे पास अल्फा, यहां पर बचेगा अल्फा, बटे कितना हो गया n, n से n कैंसिल हो गया, यहां पर हमारे पास हुआ अल्फा से अल्फा कट गया, तो 1 प्लस अल्फा हमारे पास यहां पर 1 प्लस अल्फा नंबर ऑफ हमारे पास 1 प्लस अल्फा हमें i का मान प्राप्त हुआ, वांट्स ऑफ फैक्टर i का एक अल्टरनेट फॉर्म प्राप्त किया हम लोग 1 प्लस अल्फा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, i का मान हमें पहले से प्राप्त है और यहां पर i का मान 1 प्लस अल्फा आया है, तो यहां पर दोनों आई को टैली कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा का मान निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर आई का मान आ गया हमारे पास 1 प्लस अल्फा और यही आई का मान हमें प्राप्त था 1.041, ये हो गया 1 प्लस अल्फा एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1.041 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.041, ये किसका मान प्राप्त हो गया, अल्फा का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए यहां पर अल्फा का मान जब प्राप्त हो गया तो अभी हम तो दिखलाए थे आपको कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में ये हमारे पास CH3COOH जब टूटा था CH3COO- प्लस H प्लस में, तो इक्विलिब्रियम टाइम में हमारे पास ये था n इंटू वन माइनस अल्फा था, ये था n अल्फा और ये भी था n अल्फा, और जब n का मान हमें पता है, n का मान कितना है 0.0106 है और अल्फा का मान भी पता चल गया अब हम लोग को, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस मालूम पड़ जाएगा और आराम से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं के को। देखिए यहां पर तो के का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे तो के का वैल्यू ध्यान दीजिए, यहां पर एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना है, एन अल्फा है, तो ये एन कितना हमारे पास है 0.0106 है, इंटू अल्फा करेंगे तो 0.041 हो गया। ठीक है, यहां से मिटा सकते हैं, आप नोट कर लिए होंगे या फिर वीडियो रोक करके आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर ये हो गया हमारे पास एसिटिक एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन इंटू एच प्लस का कंसंट्रेशन, वो भी एन अल्फा है, तो एन हो गया हमारे पास 0.0106, अल्फा हो गया 0.041, बट ये हो गया हमारे पास एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन जो एन इंटू वन माइनस अल्फा है, तो एन हो गया 0.0106 n इंटू वन माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.041। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस अल्फा, n इंटू वन माइनस अल्फा। अब देखिए यहां पर से कि ये एक वैल्यू से इसका एक वैल्यू कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल। अब देखिए यहां पर तो ऊपर में बचा हमारे पास क्या 0.041 गुना 0.0106 गुना 0.041 बटा कर देंगे, यहां पर इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से एक जाएगा 9 हो जाएगा, फिर यहां पर 9 में से 4 जाएगा यहां 5 हो जाएगा, फिर 9 से 0 जाएगा 9 हो जाएगा, पॉइंट यहां पर 0, ये इतना हमारे पास हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कि का मान आपके पास आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, पॉइंट सुरा देना है, पहले पॉइंट की कहानी खत्म कर देना है, उसको 10 के एक समथिंग पावर में लिख लेना है और फिर जाकर के आपको सभी को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करके जो वैल्यू होगा उसको लिख लेना है और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोटेशन जब दे दोगे आप तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1.86 इंटू 10 to the power -5, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। तो आई होप ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन कंटेंट ही इतना अधिक था इसलिए इसको बड़ा करना पड़ा। इसको समझते हुए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और खुद से सॉल्व कर लीजिए, अपनी संतुष्टि के साथ खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, जब खुद से सॉल्व हो जाएगा तो उससे बड़ी संतुष्टि कुछ नहीं होती है। मिलते हैं ऐसे ही अगले एनसीईआरटी के वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्यार भरा एक लाइक दे दें।